हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत ही इजीली आप बना लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हेयर स्टाइल की वीडियो जिसके साथ दो और हेयर स्टाइल मैंने शेयर किया था जो कि इससे पहले वाली वीडियो में, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आज मैं सिर्फ बैक का बन हेयर स्टाइल आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सिंपली आपको पहले अपने बालों को कॉम कर लेना है, ना ही ज़्यादा लो ना ज़्यादा ऊंचा, मतलब मीडियम में आपको कॉम कर लेना है। साड़ी पे आप ये हेयर स्टाइल बनाओगे तो काफ़ी प्यारा लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कॉम कर लिया है और एक रबड़ यहाँ पे लगाऊंगी बालों में। रबड़ लगाने के बाद अगर आपको लगे कि बहुत टाइट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा खींच लीजिएगा बालों को, ताकि आपका हेयर स्टाइल भी लॉन्ग टाइम तक रह पाए। क्योंकि बालों को नहीं खींचने पे बालों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम जल्दी से अपना हेयर स्टाइल बिगाड़ देते हैं, इसलिए खींच लेना है। उसके बाद से एक डोनेट ले लेंगे और डोनेट को रबर बैंड के ऊपर लगा लेंगे, ओके, और एक यू पिन से इसको सेट कर देंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेंगे बालों का, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है और ट्विस्टिंग करनी है। ट्विस्टिंग को हल्का हल्का खींचेंगे और डोनेट के अंदर से इस तरीके से इन करके निकाल लेना है। ऐसे ही आपको पूरे डोनेट को हाइड करना है। फिर ये वाला जो लेयर हमने निकाला था, इसके साथ ही एक और लेयर लेंगे और फिर से ट्विस्ट करेंगे, हल्का हल्का खींच लेंगे बालों को और फिर से डोनेट के अंदर से निकालेंगे, फिर से ट्विस्ट करेंगे और खींच लेंगे। आपका अगर लॉन्ग हेयर है तो आप थोड़ा और ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसे ही करते हुए पूरे बालों को डोनेट को हाइड करेंगे। ट्विस्ट करते करते डोनेट को साथ साथ ही सरकाते जाइएगा, ताकि आपका कहीं से डोनेट दिखे ना, सब जगह अच्छे से डोनेट को छिपा देना है। अगर आपको यूपिन की वजह से दिक्कत हो तो आप यूपिन पहले निकाल दीजिएगा और फिर बाद में दोबारा से लगा दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने पूरा बना लिया है बालों को, सॉरी डोनेट को हाइड कर दिया है। उसके बाद से थोड़े से यू पिन से आप जहाँ पे आपको लगे कि डोनेट दिख रहा है वहाँ पे आप अच्छे से हाइड कर लीजिएगा, या फिर आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो। ओके, बाकी बच्चे हेयर को ट्विस्ट करेंगे
ट्विस्ट करके इसको सिंपली लपेट लेंगे ऐसे। और डोनेट के एकदम सेंटर में इसको सेट कर देंगे, दो यूपिन से सेट कर लोगे। ओके, और ये है बन का फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है आप लोग को ये? आप शादी पार्टी में भी बना सकते हो, और कहीं जा रहे हो साड़ी पहन के सिंपल आपको बनाना है तो भी बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाएगा और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो आप। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल सबसे पहले देखने के लिए जहाँ से भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा दिख रहा है बन या फिर, तो वहाँ से आप यूपिन से सेट कर सकते हो इस तरीके से। तो चलिए फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते हुए, बाय बाय।